छोड़ दो या आसान करो। निकाह आसान करो, लेना छोड़ दो। 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 आसान दहेज लेना छोड़ दो, दहेज लेना छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मस्जिद गौसिया विद्यानगर के पास। हमारे साथ इब्राहिम सईदी साहब मौजूद है, मस्जिद के ख़तीब साहब भी है, हमारे चेयरमैन साहब है और हमारे यूनुस साहब है। तमाम विद्यानगर मस्जिद के या मस्जिद बस्ती के नौजवान मौजूद हैं। हम बात करते हैं हमारे इब्राहिम साहब से। वालेकुम अस्सलाम। ये सबसे पहले तो मैं अपना एहतजाज बनफ़्से नफीस दर्ज करवाऊँगा कि जो भी वाक़ा 25 फरवरी को गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी में जो बच्ची ने अपनी जान दी है, मैं उस बच्ची के इस वाक़े की मजम्मत करता हूं और जिस वजह से उस बच्ची ने जान दी है, जो ज़राए के मुताबिक, मीडिया के मुताबिक, सोशल मीडिया के मुताबिक जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, मैं उन तमाम चीज़ों की मजम्मत करता हूं और हम सब अपना एहतजाज दर्ज करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हुकूमत से ये अपील है कि जहेज़ के ख़िलाफ़ एक सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, बिल पास करवाया जाए पार्लियामेंट में, ताकि जो लोग जहेज़ के नाम पर हमारी बहनों की, हमारी बच्चियों की जो जान ले रहे हैं, कहीं पे फांसी लेकर हमारी बच्चियां मर रही हैं, कहीं पर जला के मर रही हैं, कहीं पर जहर खा के मर रही हैं, कहीं पर नदी कूद के मर रही हैं, तो इन तमाम बहनों की हिफाज़त के लिए, आने वाले वक्त के लिए पार्लियामेंट में एक कानून लाया जाए, पास किया जाए कि सख्त से सख्त इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी जो जहेज़ लेगा। हमारा यही एहतजाज है और यही मुतालबा गवर्नमेंट से है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी आ रहा है कि मस्जिदों में इमाम साहब का भी काम है, ख़तीब साहब का भी काम है, जो बयान में पब्लिक को जो है उजागर करना है। यकीनन उलमा की भी इसमें ज़िम्मेदारी है और उलमा भी जहाँ जहाँ पर ख़िताब करते हैं वो मौजू सुखन बनाते हैं इस पहलू को और बोलते हैं, लेकिन हमारे सबकी ज़िम्मेदारी बन जाती है, हर फर्द की, बल्कि हर शहरी की। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है, बल्कि हर हिंदुस्तानी की इसमें ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी बहन की हिफाजत के लिए ऐसे लोगों को अपनी बच्चियाँ ना दें जो जहेज़ मांगते हैं, उनको भीख दें। हमारे बैनर्स पे भी ये लिखा हुआ है कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को ऐसे घरों में दें जहाँ पर उसकी रिस्पेक्ट हो, उसकी इज़्ज़त हो। औरत की इज़्ज़त सबसे ज़्यादा अगर किसी ने दिखाई है तो मेरे और आपके आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाई है, और यही हमारा पैगाम है कि औरतों की रिस्पेक्ट करें, चाहे वो कोई भी मज़हब की हो, अपनी औरतों की रिस्पेक्ट करें। कहीं ना कहीं ये जो खाजी साहबों का भी जो काम बनता है इसमें, खाजी साहब का क्या रोल रहेगा इसमें? मतलब दहेज के लिए उल्लाह कुछ बोलेंगे खुतबे में, जो खुतबा होता है निकाह के बाद? निकाह उनका काम है फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करना, खाजी का काम कज़ा का कहीं उनका भी थोड़ा काम है कि इस बारे में पब्लिक को उजागर करना, शादी खाने में बोलना, बयान करना। ये खुद से शऊर होना चाहिए इंसान को, खुद से शऊर होना चाहिए कि भाई मैं एक बच्ची को अपने घर ला रहा हूँ, वो अपना घर बार छोड़ के मेरे पास आ रही है, तो ख़ुद को शर्म होनी चाहिए कि मैं उससे कैसे मांगूँ पैसे, उसके गरीब माँ बाप पर मैं कैसे बोझ डालूँगा कि मुझे इतने लाख चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, ये उसको ख़ुद को शर्म होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी हो रहा है कि बच्ची वाले ख़ुद जो है ना डिमांड कर रहे हैं कि बच्चा बिजनेसमैन होना या जाती घर होना, नहीं तो हम नहीं देंगे, ऐसा कुछ गल्फ़ में काम करने वाला होना, तो कहीं ना कहीं बच्ची वालों का भी कुछ फॉल्ट रहेगा। नहीं, इसमें बच्ची वालों का क्या फॉल्ट है? अगर आप अपनी बहन किसी को देंगे तो राह चलने वाले को थोड़ी ना दे देंगे उठा के। नहीं, थोड़ा बहुत जो बात जो डिमांड रख रहे हैं बच्ची वाले भी थोड़े बहुत है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पूरे है, उसमें थोड़े लोग भी है, तो उन लोगों को भी कुछ बच्ची को देगा तो ज़रूर ये सब चीज़ें देखेगा कि बच्चा कैसा है, क्या पढ़ा हुआ है, कितना कमाता है, ये चीज़ें तो नॉर्मल है। नहीं, ये नॉर्मल है, इसके बावजूद भी जो होना तो जाती घर होना, जाती कारोबार होना, या नहीं तो बाहर होना, तो ऐसा गवर्नमेंट नौकरी होना जैसा बोल रहे, तो इसके अलावा भी कुछ कितने ऐसे हमारे नौजवानों में हैं जो बेरोज़गार है लेकिन शादियाँ हो गई, कितने ऐसे हैं जिनके जाती मकान नहीं है लेकिन शादियाँ हो गई। तकरीबन न्यूज़ ये आ रही है कि तकरीबन ऐसा पूछ रहे हैं, ऐसे डिमांड्स बच्ची वालों के हैं, तो जहाँ पर दे रहे हैं वहाँ पर ऐसे हादसे हो रहे हैं, जहाँ पर नहीं दे रहे उन लोगों को ऐसा ये तो प्रॉब्लम हो रही है। ये तो सीधा सा मामला है ना भाई, कोई भी अपनी बहन को देगा, अपनी बेटी को देगा, तो ये सारी चीज़ें देखेगा ही, ज़रूर देखना चाहिए, ये अच्छी बात है।
क्योंकि बच्ची का मुस्तकबिल बाप के हाथ में है ना, बच्ची का मुस्तकबिल अपने भाई के हाथ में है। देखना भी चाहिए बच्चा कैसा है, क्या कमाता है, उसका घर जाती है या नहीं है, ताकि कल के दिन कोई परेशानी ना आ जाए। किराए का घर है फिर वो किराया नहीं देगा, बाप को ही कहेगा कि भाई आप ही किराया दियो, आपकी बच्ची को रखने मेरे पास पैसे नहीं है। ये सारी चीज़ें सामने आएंगी तो फिर बेहतर यही है कि देखा जाए। मज़ीद तफ़सीलात के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।